असली नोट लेकर नकली नोट थमाने वाले साथी गिरोह का भंडाफोड़ करने में कोरबा पुलिस ने सफलता पाई है। इस गिरोह द्वारा कोरबा जिले के पसान थाना के ग्राम लहंगा में 25 से अधिक लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा चुका था। पुलिस द्वारा 3 साथी ठगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल मामला यह है कि पसान थाना क्षेत्र के ग्राम लहंगा में कुछ दिनों पूर्व ऑनलाइन ऋण देने वाले कुछ लोग पहुंचे हुए थे। उन्होंने गांव वालों को बताया कि वह लाखों रुपए का लोन बिना किसी कागजी कार्रवाई के उन्हें मुहैया करा सकते हैं। उन्होंने लोन के बदले यह शर्त रखी थी कि राशि सौंपने के दौरान उन्हें प्रत्येक लोन लेने वाले व्यक्ति से 10% कमीशन लेंगे। ठगों ने एक दो दिन पहले सभी से बकायदा फार्म भरवाया तथा लोन देने के नाम पर उन्हें बंद लिफाफा दिया एवं उनसे 4 से 5 हजार रुपए नगद लिए और लिफाफा घर जाकर खोलने की बात कही। घर जाकर जब ग्रामीणों ने अपने लिफाफे खोले तब उसमें 2-2 हजार रुपए के नकली नोट पाए गए, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने तत्काल पसान थाना में दी, जिस पर पुलिस ने ठगी करने वाले अजय केसरिया सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। कुछ दिनों तक पुलिस द्वारा छानबीन किए जाने पर उन्हें ठगों का अहम सुराग मिलने पर जिला बिलासपुर के पेंड्रा थाना के बेचखार निवासी रवि गुप्ता, अमित पदवार, कांता प्रसाद को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिन्होंने क्षेत्र में महिलाओं के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया था और नकली नोट थमाया था। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 2-2 हजार के, 18 हजार के नकली नोट व एक प्रिंटर जब्त किया है। 30 अगस्त को यहाँ से एक समीपस्थ ग्राम है लहंगा, वहाँ पर एक जो 3 आरोपी पकड़ा है उसमें से एक रवि गुप्ता नामक आरोपी आकर उसने खुद को किसी कंपनी का लोन देने वाली कंपनी का एजेंट बताकर महिलाओं को 50 हजार का, बहुत सरल शर्तों में 50 हजार का लोन देने का वादा किया और कहा कि आपको फर्स्ट किस्त और कुछ जो लोन प्रोसेसिंग फी है मिला के 2 से 3 हजार आपको देना है, तो बदले में आपको 50 हजार का लोन मिल जाएगा। ऐसा कहकर उसने जो महिलाओं को बताया कि जो है इसके लिए आपको ग्रुप बनाना होगा 5-5 महिलाओं का, तो और उसने बताया कि मैं नेक्स्ट डे आकर आपसे जो लोन फीस है उसको कलेक्ट करूँगा और आपको लोन दे दूँगा। तो अगले दिन फिर से आया आरोपी और जब महिलाओं का समूह बन गया तो प्रत्येक महिला से उसने किसी से 2 हजार, किसी से 4 हजार 5 हजार करके लगभग 25 महिलाओं को अपने ठगी का शिकार बनाते हुए उनसे कुल रकम 1 लाख रुपया ले लिया और उसके बाद प्रत्येक समूह को उसने कुछ लिफाफा दिया जिसमें उसने बताया कि इसमें आपका जो लोन की रकम आपको जो बताया गया है उसमें रखा हुआ है, किंतु वो इतना साथी तरीके से काम किया कि उसने बताया कि ये लिफाफा सील बंद है, आपको इसको अगले दिन ही खोलना है, यदि आप इसको आज खोल के देखेंगे तो आपको जो पहला किस्त आपको भरना पड़ेगा। तो फिर इसके कहे अनुसार जो है महिलाएँ उस लिफाफे खोल कर नहीं देखी और इसने बताया था कि मेरे एक और साथी आकर कल आएगा अगले दिन तो उसके समक्ष ही खोलना है, तो महिलाओं को थोड़ा सा शक हुआ किसी के ना आने पर, तो उन्होंने जब लिफाफा खोल के देखा तो उसमें से 2-2 हजार के नकली नोट निकले, जो करीब जब सबको मिलाकर गिनकर देखा गया तो करीब 8 लाख 50 हजार के आसपास 2-2 हजार के नकली नोट थे। तो इसके बाद से आरोपी लगातार, इसके बाद अगले दिन जो है महिलाएं आकर जो है थाने में शिकायत की, जिनके आधार पर अपराध क्रमांक 91/19 पंजीबद्ध कर लिया गया। इसके बाद पुलिस को चूंकि मामला यहां पर ठगी का और नकली नोट छापने का था क्योंकि गंभीर किस्म का अपराध है, तो धारा 420 और 479 का अपराध पंजीबद्ध था। तो इसके बाद से आरोपी लगातार फरार थे, पुलिस ने अगले दिन से इनकी पता तलाश जारी कर दी, लेकिन आरोपी जो है लगातार अपना ठिकाना बदल रहे थे, कभी किसी जगह कभी किसी जगह, इनके बारे में जब पुलिस को पता चलता था तब तक ये अपना ठिकाना दोबारा बदल लेते थे। तो अंततः जो है लगभग एक आध दिन पहले जो है इनके कहीं पर छुपे होने के जो मुख्य आरोपी और बाकी के जब पता चला तो पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में मेरे द्वारा एक विशेष टीम गठित किया गया, जिस टीम को थाना प्रभारी प्रशांत राठौर नेतृत्व कर रहे थे। इस टीम ने कल से इनकी जो तलाश जारी की, तो अंततः आज सुबह मुख्य जो घटना का मास्टरमाइंड रवि गुप्ता और अन्य 2 आरोपी, इसमें से एक का नाम
कांता गंधर्व और दूसरा अमित पटवार, तीनों को पकड़ने में सफल रही। और ये जो है इसमें ग्राम सपनी में कांता गंधर्व नाम का जो आरोपी है उसके घर पर ही ये नोट छपाई का किस के काम को अंजाम दे रहे थे। क्या इसका संबंध किसी गिरोह से तो पूछताछ में चूंकि जो है और किसी बड़े गिरोह से तो इनका संबंध नहीं था, लेकिन इन्होंने जो है जिस प्रकार से अपराध को अंजाम दिया तो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि इन्होंने अपना स्वयं का गिरोह बना लिया था। और यदि समय पर पुलिस गिरफ्तार करने में सफल नहीं होती तो भविष्य में और भी इस प्रकार की घटनाओं को आसपास के क्षेत्रों में अंजाम दे सकते थे। सभी आरोपी गिरफ्तार हो? हाँ, इसमें 3-9 आरोपी इसमें गिरफ्तार हैं। क्या कुछ पैसे भी बरामद किया गया? हाँ, इनसे लगभग जो है 2000 के कुल 9 नोट, इस प्रकार कुल 18000 के नकली नोट कब्जे से और एक जो इप्सन कंपनी का जो लेटेस्ट प्रिंटर है वो भी इनके कब्जे से बरामद हुआ है। इनके द्वारा इस प्रकार का जो ये प्रथम षड्यंत्र था, पहली बार ही इन्होंने जो है अभी तक की पूछताछ में जानकारी मिली कि प्रथम बार ही इन्होंने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। इसमें से मूलतः सभी आरोपी ग्राम सपनी जो कि गौरेला थाना क्षेत्रांगर बिलासपुर जिले के अंतर्गत पड़ता है वहीं के निवासी हैं। चूँकि जो है आरोपियों को यह पता था कि हमारे विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हो गया तो इन्होंने घटना के अगले दिन से मोबाइल यूज करना बंद कर दिया था पूरी तरह से। तो इसमें उस जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनकी जो संभावना थी छिपे होने की, उस जगह पर पुलिस द्वारा गोपनीय रूप से कई बार जो है रेकी किया गया था और अपने मुखबिरों को वहां पर तैनात किया गया था। कटघोरा से जयप्रकाश साहू के साथ शारदा पाल एवं शशिकांत डिक्सेना की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।